नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के लोपो के चोगामा रोड पर खेत में गेहूं की नाड़ में लगी आग की चपेट में आया मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति, हुई मौत। अमृतसर की श्री गुरु रामदास सराय की तरफ गलियारे में रात्रि 1 बजे के करीब हुआ धमाका, पुलिस जांच में जुटी। अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट में हुए धमाकों के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 1 किलो 100 ग्राम विस्फोटक सामग्री की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के लोपो के चोगामा रोड सेक्रेड हार्ट स्कूल के नजदीक खेतों में गेहूं की नाड़ को लगी आग के कारण मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की जलने के कारण मौत हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद व्यक्ति ने बताया कि खेतों में नाड़ को लगी आग के कारण सड़क पर धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति लोपोके से आ रहा था और वह आग की चपेट में आ गया। यह आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते व्यक्ति की जलने के कारण मौत हो गई और मोटरसाइकिल जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे थाना लोपोके के प्रभारी मुख्तियार सिंह ने कहा कि मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। यहाँ आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे बचा नहीं पाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। खालसा दे वाहेगुरु जी की फतेह। भी जी आ भाणा जो वरत्या लोगों सारे पता आ भी ता दिता दान गुरद्वारे की करूँगा। जे तीन 200-400 रुपया तेल बाल बाल के नहीं वाह सकते, आ हादसा होया क्यों मेरा इस कारण यही है। जेडे वीर भरा अगे तो ना हादसा अपना थां वाह लिया करो भरा। जानकारी मिलने पर ठठा तो लोपो के दी हद है, तो साइड से काफ़ी नाड़ वगैरह ही सड़क की साइड से, अग चलती चलती हवा तेज करके रोड से ही, रोड से बाइक से जा रहा मोटरसाइकिल से, कोई 40-45 साल का एज का होना बंदा, वो अग की लपेट च आन के मोटरसाइकिल भी जल गया। तो आप भी वो मौके पर एट द स्पॉट एक्सपायर हो गया। यदि आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, फिलहाल कपड़े वगैरह जल गए हैं, यदि आइडेंटिफिकेशन करके तो जी बनती कर रहे हैं। सर जमीन कि वो सारा वेरीफाई कर रहे हैं। इतने इन्ना पता लगे भी ये ना पंचायती जमीन आ, इन्हें कौन वा रहा, किने अज अग लाई है, वो सारा वेरीफाई करके जो बनती कर रही है। अमृतसर में श्री हरिमंदर साहिब के बाहर देर रात 1 बजे के करीब तीसरा धमाका हुआ, लेकिन यह धमाका श्री गुरु रामदास सराय की तरफ गलियारे के नज़दीक हुआ। वहीं धमाके की आवाज़ सुनकर होटल में ठहरे श्रद्धालु भी डर कर बाहर आ गए। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि लोग सहमे और डरे हुए थे। इस दौरान शिरोमणि कमेटी के सेवादार भी मौके पर पहुंच गए। धमाके वाली जगह से एक चिट्ठी भी मिली है जो पुलिस अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले ली है। तो वहीं पुलिस कमिश्नर नौनिहाल की ओर से धमाके वाली जगह का दौरा किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने धमाके की आवाज़ सुनी है और वे मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टीमें जांच कर रही हैं, जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वी आर स्टिल चेकिंग, वी हैव जस्ट कम हियर, वी विल डू अ फॉर्मल ब्रीफिंग इन अबाउट एन आवर्स टाइम, ठीक है ना। आई विल रिक्वेस्ट कि काइंडली अभी हमारे को काम कर लेने दीजिए, उसके बाद बात करूंगा। अभी अभी आई कैन गिव नो स्टेटमेंट। वी हैव जस्ट गॉट इन्फॉर्मेशन कि यहां पे कोई लाउड साउंड आई है, वी आर वेरीफाइंग इट। गत दिनों अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट और गत रात्रि श्री गुरु रामदास सराय के बाहर हुए विस्फोट संबंधी पकड़े गए 5 के करीब लोगों को हिरासत में लेने के उपरांत डीजीपी पंजाब गौरव यादव की ओर से अमृतसर के पुलिस लाइन कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट में हुए धमाकों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी पहचान अमरीक सिंह, आज़ाद वीर सिंह, रंजीत सिंह, हरजीत सिंह और साहिब सिंह साबा के तौर पर हुई है। अमरीक सिंह और आजाद वीर ने यह विस्फोटक असेंबल करने के लिए अमृतसर के अनगढ़ इलाके के साहिब सिंह साबा से यह विस्फोटक पदार्थ लेकर यह विस्फोट किए थे। इस दौरान 1 किलो 100 ग्राम के करीब विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इनके साथ एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है, जो कि अमरीक सिंह की पत्नी बताई जा रही है, और जाँच के बाद पता चलेगा कि इसमें इसका कितना रोल है। इस दौरान उन्होंने एसजीपीसी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से ही इस ऑपरेशन को कामयाबी मिली है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब पुलिस ने जो अमृतसर के लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन हुए सी,
वो केसेस सॉल्व कर ले हैगे ते पांच गिरफ्तारियां हुई जी और पांच गिरफ्तारियां हुई हैं जिस दे विच आजादवीर सिंह सरफ जसवीर सिंह आरो विलेज बटाला कला बाबा बटाला जिला अमृतसर एज 36 साल अमरीक सिंह सरफ लखबीर सिंह आरो विलेज आदिया पीएस बरांगला गुरदासपुर एज 26 साल साहिब सिंह एलिया साबा सरफ सुरेंद्र सिंह आरो अमन एवन्यू गेट हकीमा अमृतसर हरजीत सिंह सन ऑफ दविंदर सिंह आरो मजिठा रोड अमृतसर अते धर्मिंदर सिंह एरिया मिठा सन ऑफ रजरेडो मजिठा रोड सो इस दे विच आजादवीर सिंह ते अमरीक सिंह इन्होंने जी आईईडी असेंबल कीतियां सी जिहड़ा एक्सप्लोसिव सीगा जिहड़ा लो ग्रेड जिहड़े साडी फोरेंसिक एनालिसिस दे विच भी आया सीगा कि लो ग्रेड एक्सप्लोसिव सी क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स मिक्स विद मिक्सचर ऑफ सल्फर जिहड़ा पोटाश जिसनूं कोलोकली किया जांदा है ते अमृतसर तो सोर्स किया गया सीगा कि आजादवीर ने धर्मिंदर तो प्रोक्योर किया सीगा धर्मिंदर नूं अगे हरजीत सिंह ने दिता सी हरजीत सिंह ने साहिब सिंह साडा जिहड़ा सप्लायर सीगा उस तों लिया सीगा जी सो इह तिन्न जिहड़े अक्यूज्ड हैगे दे वर इनवॉल्वड इन सोर्सिंग ऑफ द एक्सप्लोसिव ते एक्चुअल इंसीडेंट दे परपेट्रेटर सीगे अमरीक सिंह अते आजादवीर सिंह एक लेडी भी असी क्वेश्चन कर रहे हैं उन्होंने रोल असी देख रहे वाइफ ऑफ अमरीक सिंह तो हाले उन्होंने अरेस्ट बारे कोई व्यू नहीं बनाया इन्हें आजादवीर तो एक किलो 100 ग्राम 1.1 kg एक्सप्लोसिव जो रिमाइंडर रिकवर होया है तो इस मैं रिकॉर्ड तो पेश करना चाहवागा SGPC टास्क फोर्स और SGPC का सहयोग जालंधर में लोकसभा उपचुनाव के बाद सभी ईवीएम मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है और उन्हें 3 लेयर की सुरक्षा में रखा गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ADC जालंधर अमित महाजन ने कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम में पूरी तरह से 3 लेयर की सुरक्षा में सुरक्षित रखा गया है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पटवार खाने में 4 जगहों पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ आकर सुरक्षा के प्रबंध देख सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि 13 तारीख को गिनती वाले दिन सुरक्षा के प्रबंध और भी कड़े किए जाएंगे और 13 तारीख को सुबह 8 बजे गिनती शुरू की जाएगी और बाद दोपहर तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जिवें कि तुहानू सारयां नू पता है कि कल जालंधर दे विच पोलिंग हो चुकी है। मशीनां जिहड़ियां ओह जो इलैक्शन कमीशन दी प्रोटोकॉल है ओहदे अनुसार सिक्योरिटी दे नाल जिथे असीं खड़े हाँ DLR सेंटर ते स्पोर्ट्स स्कूल उहनां दे विच स्ट्रोंग रूम्स विच आ चुकियां ने ते उन्हां दे उत्ते जिहड़ी 3 पैरियां दी गार्ड लगदी है वह लग चुकी है। सेंट्रल फोर्सिस ने स्टेट आर्म्ड फोर्सिस है ते स्टेट पुलिस फोर्स है वह पूरी प्रोटोकॉल दे नाल टेकओवर कर चुके ने। ऑब्जरवर साहब वालों अज स्क्रूटनी भी की जा चुकी है जो कैंडीडेट या उन्हां दे नुमाइंदे की हाजरी से की गई जो तसली बख्श पाई गई है। सो अज 11 तारीख हो चुकी है। अज काउंटिंग दे जिहड़े मुढ़ले प्रबंध जिहड़े उन्हां दा बारे प्लानिंग कर ली गई है। सो अज तो ये प्रबंध जिहड़े आ जिहड़े थोड़े बहुते रहिंदे ने वह कर ले जाणगे। बाकी साडे काउंटिंग हॉल पहला ही असीं तैयार करवा चुके हैं। कल जिहड़ा काउंटिंग दा स्टाफ है वह इत्थे बुला के उन्हां दी ओरिएंटेशन भी कर दित्ती जाएगी। कैंडीडेट्स नूं रिक्वेस्ट है कि वह जिहड़े काउंटिंग एजेंट बनवाने आ अपने संबंधित ARO दे नाल तालमेल करके वह समय सिर बनवा लैन। परसों 13 तारीख नूं जिहड़ी काउंटिंग है वह समय सिर शुरू कर दित्ती जाएगी। आस है कि असीं दोपहर तो पहले रिजल्ट जिहड़ा वह डिक्लेयर कर देंगे। ये अलग अलग ने 9 हल्कों दे विच जिन्हें बूथ ने वो अनुसार राउंड उन्होंने एवरेज 14-15 राउंड जिहड़े आ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी आ रहे हैं। रिजल्ट कोशिश तो साडी है कि दोपहर तो पहले। जालंधर लोकसभा उपचुनावों के बाद पंजाब के विधायक अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से मिल रहे हैं, जिसके तहत नाभा क्षेत्र से विधायक गुरुदेव सिंह देवमान अपने घर से साइकिल पर सवार होकर नाभा के अलग अलग बाजारों से होते हुए गुजरे, जहां उन्होंने लोगों की मुश्किलें सुनी। तो वहीं नगर कौंसिल सदर थाना और थाना कोतवाली में भी जाकर
जायजा लिया। विधायक देव मान के इस प्रयास से लोग भी काफी खुश नजर आए। लोगों ने कहा कि 70 वर्षों में पहली बार हुआ है कि कोई विधायक साइकिल पर सवार होकर लोगों की मुश्किलें सुनने के लिए उनके पास आ रहा है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। बिल्कुल जी, जलंधर लोकसभा इलेक्शन के बीच आदमपुर ड्यूटी लगी सी और तकरीबन 15 दिन के आस पास ड्यूटी निभाई प्रॉपर तनदेही के नाल। 8 तरीक नूं शामी वापस आ गए थे आपे, फिर कल रैसट ते अज जिहड़ा जी साइकिल ते दोबारा फिर पूरे शहर का विजिट मिलते मिलाते हुण दफ्तर के पहुँच रहे। मकसद यही है जी कि एक मैसेज देना चाहते हैं कि ग्राउंड ते रहो, अपने लोगों से रहो, जिन्हें थोड़ा वोटा पा के MLA बनाया, जिन्हें ने सरकार बनाई है उन्होंने समस्यावान छोटी छोटिया ने, किसी का बिजली का कनैक्शन है, किसी का पानी नहीं आता, किसी का कुछ नहीं, बेशक वो जिहड़ियां ने कितना कितने कानूनी तौर पर अड़चना ने जी, कितने केस चल रहा किसी का कुछ, जिवें लोग राह मिलते गलते उन्होंने सब समस्यावान सुनते आए तो उन्होंने हल करना, उन्होंने प्रॉपर मीटरिंग करनी कि मसला किमें हल हो सकता। नगर कौंसल के मुलाजम ने सारे टी शर्टा पा के खड़े ने, क्योंकि नगर कौंसल नाभा के जिन्ने साडे मुलाजम ने, साडे प्रधान मैडम सुजाता चावला जी, पप्पू पंकज जी, मेरा ब्रदर कपिल मान, साडी सारी टीम MC सहमान रल के साडा एक मिशन है कि मैं नाभा हाँ, मैं तुहाडा, मैनूं साफ रखो, असीं नाभा नूं पंजाब दा नंबर 1 स्मार्ट सिटी बनाउणा जी। उह कहिंदे आ प्यार नाल मेरी साइकिलां दी दुकान आ जी, मान साहब आए सी हवा भरन वास्ते, पहले MLA ने जिहड़े साइकिल ते, हाँ पहले MLA जिहड़े मतलब कि साइकिल ते आ के ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਨੇਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਮੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਭੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲੇ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਥਾਣੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸਦਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਏ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। देश की अग्रणी और प्रतिष्ठित होम बैटरीज निर्माता तथा बैटरी इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी ओकाया पावर ने अपने नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ पंजाब की मार्केट में कदम रखा है। इसी कड़ी में कंपनी ने जालंधर में अपना नया डिस्ट्रीब्यूटर खोला है। महानगर के मिलाप चौक स्थित महेश्वरी इलेक्ट्रो वर्ल्ड को कंपनी ने अपना डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया है। गत दिवस कंपनी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट विजेंद्र प्रताप सिंह ने बतौर मुख्य मेहमान रस्मी तौर पर डिस्ट्रीब्यूशनशिप का शुभारंभ किया। इस मौके पर कंपनी के RSM गौरव कुमार, जोनल मैनेजर अजय वर्मा और असिस्टेंट मैनेजर विनीत वालिया भी विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस दौरान अधिकारियों ने डिस्ट्रीब्यूशनशिप के प्रबंधकों को इसकी मुबारकबाद दी। इससे पहले महेश्वरी इलेक्ट्रो वर्ल्ड के मालिक नरेंद्र महेश्वरी और आदित्य महेश्वरी ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने शोरूम में उपलब्ध कंपनी की बैटरीज के स्टॉक का जायजा भी लिया। उद्घाटनी समारोह में पनेसर इलेक्ट्रॉनिक, मुरगई सेल्स, नतेजा इलेक्ट्रिकल्स और सोनू गिफ्ट सेंटर इत्यादि डीलर भी उपस्थित रहे। माँ बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, माँ बंगलामुखी जी के निमित्त मंत्रमाला जाप कर मुख्य यजमान बाबा गौरव जोशी से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कष्ट और दुख मनुष्य को सताते रहते हैं। अज्ञानता के कारण शरीर को कष्ट और मन को दुख होता है। कष्ट उपचार के द्वारा समाप्त हो जाते हैं, लेकिन दुखों को ज्ञान के द्वारा ही मिटाया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा परम कर्तव्य है कि हम परम पिता परमेश्वर के परम गोपनीय प्रभाव को भली भांति समझने के लिए नाशवान क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करें और परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग करें। नवजीत भारद्वाज ने कहा कि सत्संग ध्यान से सुन लिया तो मानव जीवन के उद्देश्य के बारे में पता चल जाएगा।
मानव शरीर पिछले जन्म के पुण्य कर्मों व महात्माओं की दया से मिलता है। युवा पीढ़ी देश का भविष्य है, इन्हें अच्छे संस्कार की जरूरत है। इस अवसर पर अमरेंद्र कुमार शर्मा, राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, पूनम प्रभाकर, नीरज कपूर, संजीव सौंधी, बलजिंदर सिंह, रविंद्र बांसल, प्रिंस कुंडल, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, राकेश प्रभाकर, बलवंत बाला, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रॉकी बाबा जोशी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, संजीव शर्मा, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, अशोक शर्मा, प्रदीप, अभिलक्ष्य चुग, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, बाबा खन्ना, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। अज भी जोड़ा लगातार वीरवार हवन होंगे है अपने वो लगातार अब जो श्रृंखलाबद्ध जोड़ा हवन है अब वीरवार किया गया और सारे भगत ने सवेरे 5 बजे तो आके लगातार भगत ने लगातार जोड़ा उन्होंने हवन जो अटेंड किया और उन्होंने महामाई का आशीर्वाद लिया और लंगर प्रसाद जोड़ा पूरा कढ़ी चावल का लंगर लगा हुआ है नाल हलवे का लंगर लगा हुआ है उधर चाह का लंगर लगा हुआ है सारे भगत जोड़े है वो आनंद लै रहे हैं और इस तो बाद नाल मैं भी कहना चाहना है कि शनिवार शुक्रवार को 19 तरीक जोड़ा शनि जयंती जो उत्ते जोड़ा बहुत बड़ा विशाल जोड़ा वो हवन यज्ञ हो रहा है सारे भगत जोड़े है सब परिवार उत्थे पहुँच के शनिदेव जी महाराज जी का आशीर्वाद लैन 19 तरीक शुक्रवार शाम को 6 बजे तो लैके महामाई की इच्छा तक शनिदेव महाराज जी की इच्छा तक हवन यज्ञ होएगा और उस तो बाद विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बगला मुखी माता जी का बोल साचे दरबार की जय। जय माँ बगला मुखी जी। अज माँ बगला मुखी धाम जो कि गुलमोर सिटी च स्थित है माँ के इस भव्य मंदिर के विच जिहड़े दिव्य हवन लगातार चलते जा रहे हैं उन्होंने अज श्रृंखला के विच हवन यज्ञ संपन्न होया। मैं सारे समूह सेवादारां नूं भगतां नूं ये बहुत बहुत बधाइया दिना तो महामाई के चरणों इदा ही अरदास करदा कि इदा ही साढ़े तो यह सारे हवन यज्ञ जिहड़े दिव्य होंदे आ संपूर्ण कराते रहन। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना 19 तरीक दिन शुक्रवार को श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त एक विशाल जन्मोत्सव से श्री शनिदेव महाराज जी के हवन यज्ञ होने जा रहे अलौकिक उस दे विच आप भी आओ अपने मित्रगण संबंधियों नाल पहुँच के श्री शनिदेव महाराज जी के चरणों अपने जिहड़े तुहाडे श्रद्धा है उहदे भाव प्रगट करो और आके दरबार हवन यज्ञ शामिल होवो हवन यज्ञ आहुतियां डालो अपने आप नूं पुन्ने दे भागीदार बनाओ। फिर एक बार दसना चाहना श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त श्री शनि जयंती महोत्सव 19 तरीक दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा आप भी आओ अपने मित्रगण संबंधियों नाल पहुँच के हवन यज्ञ आहुतियां डालो। जालंधर के किशनपुरा स्थित शमशान घाट में भगवान गुरु दत्तात्रेय जी की मूर्ति स्थापना विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई। इस मौके पर 3 दिन से चल रहे हवन यज्ञ में विधिवत पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली गई जिसके बाद भगवान गुरु दत्तात्रेय जी की मूर्ति जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर व शमशान घाट के मुख्य सेवादारों ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। अंत में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अंतिम स्थान स्वर्ग आश्रम गुरु दत्तात्रेय महाराज का जड़ा मूर्ति स्थापना से उस मंदिर का जीवन द्वार अज किया गया वह वो नाल शनि महाराज के मंदिर का भी पूरा विधि विधान के नाल एक साढ़े पिपल सेगा भी जो पश्चाताप असी हवन किया वह और भगवान नंदीगंज जी की मूर्ति स्थापना की है। भगवान मोहरे यही प्रार्थना भगवान भोले शंकर मोहरे करते हैं अगर कोई साढ़े को गलती हुई हो स्थान तो सानू माफ़ी देना। मैं एक बार फिर अपने वालों और सारे मानव सेवा ट्रस्ट के समूह ट्रस्टिया वालों सारे शहर बहुत बहुत बधाई देना। स्वर्ग आश्रम कोट किशन चंद जलंधर के दत्त महाराज की मूर्ति की दिशा परिवर्तन होया मंदिर का निर्माण होया
तो विधिपूर्वक काम होया। तीन दिन लगातार ये चलिया। हुण अज लंगर की व्यवस्था की गई है। शहर वासियों नूं बेनती है कि आके प्रसाद ग्रहण करन ते अपना दान दा योगदान देन, सेवा दा सेवा करन। ते मेरी बेनती है कि सुख शांति समृद्धि सब नूं देवे परमात्मा। जय भोलेनाथ, जय शंकर। पंचवटी मंदिर गौशाला धर्मशाला कमेटी की ओर से श्री श्री 1008 वेद भारती जी महाराज की अध्यक्षता में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतिम दिन श्री श्री 1008 अमिता भारती जी महाराज ने भजन गायन कर उपस्थित भक्तों को निहाल किया। तो वहीं श्री श्री 1008 वेद भारती जी महाराज ने कथा कर उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर योगेश्वर दत्त, लकी मल्होत्रा, रविंदर अरोड़ा, बांकेलाल पुरी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। अंत में भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, 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 किशोरी राधे अति भोरी राधे, किशोरी राधे ग्यारह मई 2023 एक श्रीमद् भागवत सप्ताह श्री राधा वल्लभ चैरिटेबल ट्रस्ट बरसाना वृंदावन तो साढ़े गुरु जी के आदेश के मुताबिक सुश्री 1008 महामंडलेश्वर वेद भारती जी की प्रिय शिष्य सुश्री अमिता जी भारती हरिद्वार वालों के सहयोग से हरदरी से हमारी बहन श्याम सखी के नेतृत्व में जो श्रीमद् भागवत सप्ताह 5 मई से शुरू हुआ था, आज उसका विश्राम होने जा रहा है, जिसमें श्री पंचवटी मंदिर कमेटी गौशाला धर्मशाला की तरफ से इतना सहयोग मिला है जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। मैं यही कहूँगा जो सेवा गौशाला कमेटी की तरफ से ये सारी कमेटी कर रही है, मैं किसी के नाम के में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये सारा काम निष्काम सेवा से हो रहा है। दैनिक सवेरा की तरफ से इन्होंने सातों के सातों दिन बहुत अच्छा पब्लिक को बताया है कि ये सेवा कैसे धार्मिक काम जलंधर में हो रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी कवरेज दैनिक सवेरा से नहीं होती। तो मैं दैनिक सवेरा के जो संपादक हैं और सारे स्टाफ का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रभु की कृपा नाल होया, संपन्न होने जा रहा है। और साढ़े पुरी साहब ने जोड़ा ये काम करवाया और लकी मल्होत्रा प्रधानगी जेड़ा सारा काम होया, सारी गौशाला की कमेटी ने टीम ने पूरा साथ दिता,
और बड़ा अच्छा सत्संग प्रवचन सुनने को मिले है। असी बहुत वडभागी हाँ कि सुने सारा कुछ, असी फिर भी इच्छा करांगे परमात्मा ये दिन द्वारा जल्दी आन। MGN गर्ल्स स्कूल अड्डा हुशियारपुर जालंधर की पूर्व वाइस प्रिंसिपल मलिक अनीता आनंद, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जाविराजी हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म उठाला गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में संपन्न हुआ। इस मौके पर पंडित सोमनाथ पाठक ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय मलिक अनीता आनंद की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, आत्म प्रकाश सिंह बबलू सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय मलिक अनीता आनंद को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से अपने विधानसभा क्षेत्र धूरी के सभी गांवों के लोगों के साथ सरकार आपके द्वार प्रोग्राम के चलते मुलाकात की गई और लोगों की मुश्किलें सुनी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए गांवों के लिए ग्रांटें भी जारी की। मुख्यमंत्री ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि वे इस प्रोग्राम की शुरुआत अपने विधानसभा क्षेत्र धूरी से कर रहे हैं और इसको पंजाब के हर विधानसभा क्षेत्र तक लेकर जाएंगे, ताकि लोगों का समय और पैसा दोनों बचे। क्योंकि अगर वे अपने कामों के लिए चंडीगढ़ जाएंगे तो उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के चलते वे अपने पूरे अधिकारियों की टीम लेकर जाते हैं, लोगों की मुश्किलें सुनते हैं और उसका मौके पर ही हल किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को इस बार धान के सीजन के समय बिजली की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, उनके पास कोयले की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने अमृतसर साहिब में हो रहे धमाकों पर बोलते हुए कहा कि ये उन शरारती लोगों का काम है जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन वे अपने पंजाब का माहौल खराब नहीं होने देंगे। ऐसे किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। धूरी दे जेड़े लोग ने उन्होंने बहुत बड़ी उम्मीदा आसा ला के मेरी जिम्मेवारी बहुत वड्डी लाई है पंजाब दे विच। सो इन्हों का कर्जा जोड़ा मैं वो कई जन्म नहीं दे सकता। सो धूरी के पिंड की जी लिस्ट है जो पिंड विकास कार्ज हुए हैं वो अज असी दसन आए हैं कि इन्ह पिंड इन्ने पैसे पहुँच चुके हैं। कुल असी जोड़ा पिंड अज लिस्ट जी दी है जिमें धूरी है, रणीके है, भुल रेहड़ी है, समुद्रगढ़, सारे पिंड भी आए हुए हैं। तो किसी पंचायती राज एक्शन पंचायती राज के थ्रू, किसी पंचायत के थ्रू, किसी नूं डायरैक्ट पैसे जिहड़े ने पहुँच गए ने। लोगों नूं सिर्फ यही कहना है कि उन्हों पैसे नूं तुसीं अपना समझ के वो कम्मां नूं तुसीं आप किसी बंदे की ड्यूटी ला के कोले खड़ के करा लिओ। फर्ज कर लो कोई ठेका है सड़क का जां स्कूल च कमरे बनाउण दा, नाल खड़ो ताकि कोई मटीरियल माड़ा ना लग जाए। फिर कल नूं फिर 6 महीने बाद खड़े हों उत्थी, ताकि वो थोड़ा ही पैसा है, तुहाडा पैसा, तुसीं उहनूं आपदा पैसा समझ के उत्थे लाओ। तो लोगों ने बहुत रिस्पोंस दिता। ये हुण मैं सारे पंजाब शुरू करूँगा। वोटों वेले असी इन्हों तो वोटा मंग के जो सरकार बन जाने कहने चंडीगढ़ आ जाओ,
इन्हों का घट तो घट चंडीगढ़ गेड़े लगन। चंडीगढ़ का मतलब है 5-7 हज़ार रुपया खर्चना एक दिन फुटना। जो जे सरकार ही इतने आ जाए इन्हों को, अब सारे अफसर आ गए, बिजली बोर्ड के CMD आ गए, तो कोई भी किसी किस्म की कोई जी शिकायत है वो इतने जिन्हें चर आखिरी बंद की अर्जी नहीं फड़ी जाऊगी इतने रहन गए अफसर। पहले तो कोई काम ही नहीं होया जी, हल की पहले तो कोई काम ही नहीं किया इन्होंने। 20 साल तो सीधे ही काम नहीं किया कोई। धूरी शहर का ओवरब्रिज का वो अजे तक नहीं, तो ऐसे ओवरब्रिज वास्ते पैसे जारी करते, उधरों जो सेंटर वालों आ गया लैटर ओवरब्रिज बनना शुरू हो जाऊगा। धूरी शहर भी जी एक सूआ लंघता नरक बनाता उन्हें शहर, उन्होंने ढक सकते हैं, उन्होंने ढक के जगह जगह तो वो अंदर बढ़ने वास्ते सफाई वास्ते पॉइंट रख के वो वास्ते 19 करोड़ का बजट बनया, वो भी जारी हो गया जी। ये धूरी का बस अड्डा जोड़ा वो अंदर आ गया, एक होर एक्सट्रा बस अड्डा बनाने वास्ते भी सू धूरी दड़क और अज असी क्या 14 सड़क जोड़िया धूरी आने वाले टच कर दिया ने, वो 18 फुटिया उन्होंने टेंडर कल लग जूगा बननिया शुरू हो जाएगी। होशियारपुर पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंधी जानकारी देते हुए होशियारपुर के SSP सरताज सिंह चाहल ने बताया कि बीती 13 अप्रैल को पुलिस को गांव भारतपुर जोगिया में एक लाश बरामद हुई थी जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। SSP सरताज सिंह चाहल ने बताया कि पुलिस द्वारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा भी लिया गया, जिसके चलते पुलिस को फोन पर जोगिंदर सिंह निवासी सहारनपुर ने कहा कि यह लाश उनके मृतक बेटे की लगती है, जिसके चलते पुलिस ने तुरंत टीमें बनाकर सहारनपुर के लिए रवाना कर दी। मृतक युवक की पहचान अमित कुमार के तौर पर हुई है, जो कि आरोपी हरपाल सिंह उर्फ पाला निवासी सहारनपुर और कुंदन सिंह उर्फ मंगल निवासी सहारनपुर का अच्छा दोस्त था। पुलिस मृतक व्यक्ति के पिता से जानकारी हासिल करके दो आरोपियों को गिरफ्तार करके होशियारपुर ले आई। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। होशियारपुर पुलिस नू ते सब डिवीजन गढ़शंकर नू एक बहुत वड्डी सफलता मिली है। एक बड़ा सेंसेशनल ब्लाइंड मर्डर केस साढ़े नोटिस विच आया सीगा पिछले महीने 13 तरीक नू, 13 अप्रैल 2023 नू, जिस दे विच एक सानू अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली सीगी पिंड भरतपुर जोगियां दे विच, पुलिस स्टेशन महालपुर दे विच। ते उत्थे साड़ी जदों पुलिस टीम पहुँची तो उन्होंने तुरंत उत्थे फोरेंसिक एविडेंस कलैक्ट करके ते बॉडी नू 72 घंटिया वास्ते रख दिता आइडेंटिफिकेशन लई। सानू एक मिस्टर जोगिंदर सिंह ने अप्रोच किया UP चों, सहारनपुर चों, तो उन्होंने कहा कि ये बॉडी उन्होंने बेटे अमित कुमार की जापदी है। तुरंत असी एक 12 मैंबरी टीम बना दिती SHO श्री जसवंत सिंह दे हेठ, तो उन्होंने सहारनपुर जाके तस्दीक तफ्तीश करके दो अक्यूज्ड भी अरेस्ट किए हैं। तो उस तो बाद जिहड़ी बुलेरो गड्डी चो इत्थे डिसीज नू लैके आए सीगे वह रिकवर की है, तो डिसीज का मोबाइल फोन भी उतों सहारनपुर तो रिकवर। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर के लोपो के चोगामा रोड पर खेत में गेहूं की नाड़ में लगी आग की चपेट में आया मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति, हुई मौत। अमृतसर की श्री गुरु रामदास सराय की तरफ गलियारे में रात्रि 1 बजे के करीब हुआ धमाका, पुलिस जांच में जुटी। अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट में हुए धमाकों के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, 1 किलो 100 ग्राम विस्फोटक सामग्री की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।